देखिए दोस्त, आज का एग्ज़ाम SSC CGL का जो है आपका टायर फर्स्ट का 12/6/2019 का, इसमें देखिए जो रीजनिंग के आपके सवाल हैं, जो रीजनिंग में आपके एग्ज़ाम में आए थे सवाल, आज के डेट में देखिए कहां से आए हैं और कितने सवाल आए हैं, कैसे कैसे सवाल आए हैं और पेपर का जो कैटेगरी था वो किस हिसाब का था। देखिए कोडिंग डी कोडिंग, इससे आपके दो क्वेश्चन आए थे। फिगर के दो क्वेश्चन आए थे। वर्ग त्रिभुज, इसमें ये पूछा था कि बना कर दिया थे कि इसमें कितने त्रिभुज बन सकते हैं, जैसे सवाल आपके एग्ज़ाम में देखिए इसमें एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया था आपको यही सेम बताया जा रहा है। तीन फिगर दिए थे, इसमें पूछा था कि आपके कितने त्रिभुज बन सकते हैं, तो आपको गिन के इसमें बताना था। और आपके जो कैटेगरी एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन, ये इससे आपके दो क्वेश्चन लगे, एक नहीं दो क्वेश्चन आए थे एग्ज़ाम में। इस तरह फिगर बना कर पूछा था कि यहाँ क्या होगा, इसके जगह यहाँ पे क्या होगा, आपको ये आया था। और क्वेश्चन दो क्वेश्चन इससे आए थे, जो वेन डायग्राम होते हैं आपके, रीजनिंग का जो चैप्टर था वो सिंपल ही कर दिया था। और यहाँ पर देखेंगे दोस्त, आपको वेन डायग्राम में आपको ऐसे क्वेश्चन इसमें नंबर वाइज कर दिए थे, 16, 20, 24, 15, 5, 7, 4। और इसमें से पूछा था कि जो कितने ऐसे नंबर वाइज हैं जो तीनों में एक दूसरे से आपस में नहीं मिलते हैं, उनकी संख्या बतानी थी, टोटल संख्याएं। और इसमें देखेंगे जो महिला है, पुलिस है, वकील, इसमें बतानी थी कि आपको चार ऑप्शन दिए थे, इसमें से कौन सा सही है दोस्त। और देखिए सांकेतिक भाषा, कि आपको जो अंग्रेजी की वर्णमाला अक्षर होते हैं देते हैं, ये क्वेश्चन यही था कि इसका ये है तो इनका आप बताएं दोस्त, आप बता सकते हैं, कर भी सकते हैं इसमें कि क्या कैसा है। और इसमें देखिए आए थे आयु से दो क्वेश्चन आए थे, आपके आयु से दो क्वेश्चन इसमें आए थे। और जो रीजनिंग का सवाल बहुत ही हर एग्ज़ाम में आता है देखेंगे, और ये एग्ज़ाम का पैटर्न ही था, ये दिया था, फिर इसके बाद ये पूछा था कि यहाँ पर क्या होगा, आपको दोस्त बताना था। इससे कम से कम आपके तीन क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए थे ऐसे सवाल का जो पैटर्न था, और बहुत ही सिंपल दिया था क्वेश्चन, और क्रम व्यवस्थित करना था। और जो आज के पैटर्न एग्ज़ाम में आया था एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया था, इसका कैटेगरी यही आया था कि आपको बताना था इसका क्रम क्या होगा, किस क्रम पर पहले स्थान पर क्या होगा और लास्ट में क्या होगा, सारा चीज़ें आपको क्रम करके बताना था। और देखिए इंग्लिश की बारी आती है तो फिल इन द ब्लैंक्स पूछा था, एंटोनेम्स, सिनोनेम्स, अपोजिट, प्रीपोजिशन, पैसेज, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर स्पेल्ड एरर। इसमें इंग्लिश में आपके देखेंगे सारे चैप्टर से लगभग एक एक दो दो सवाल लगभग हर चीज़ दिए थे। और रीजनिंग आपको बहुत ही सिंपल दिया था SSC CGL में, देखिए दो CGL में बहुत ही सिंपल दे दिया था। और यहाँ पर आप आएँगे जीएस में अपना पैटर्न देखेंगे तो जीएस में संविधान से क्वेश्चन आए थे, संविधान से अनुच्छेद और अध्यक्ष के बारे में। अनुच्छेद कैसा कि अनुच्छेद आपके एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम में पैटर्न था आपका अनुच्छेद 331 पूछा था, मतलब पूछने का पैटर्न था कि आपके जो राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करते हैं किस अनुच्छेद के तहत, तो इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 331। और इसके जो अध्यक्ष आए थे, अध्यक्ष का क्वेश्चन ऐसे आया था कि लोकसभा और राज्यसभा का कार्यवाही कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष, ऐसे से क्वेश्चन आए थे, इसके ऑप्शन थे। और इसमें भूगोल से एक दो क्वेश्चन थे, इतिहास से थे, इतिहास का आपका तीनों था, प्राचीन, मध्य, आधुनिक तीनों मिलाकर दिए थे। अर्थव्यवस्था से इसमें क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन आए थे, राजकोषीय घाटा का आया था क्वेश्चन जो। और इसमें विविध आया था, विविध से आपके क्वेश्चन देखिए कैसे आए थे, कायदम आजम किसका उपनाम है, ये तो आप लोग जानते हैं, सभी लोग बता सकते हैं। और एक आई थी पुस्तक का नाम कि फ्रीयर फ्रॉम फ्रीडम के पुस्तक कौन है। और यहाँ आएंगे नीचे देखेंगे जीव विज्ञान, जो जीव विज्ञान का पोर्शन है इससे आपके तीन चार क्वेश्चन आए थे। एक आया था कि रक्त के मापन का यंत्र को क्या कहते हैं, एक एक क्वेश्चन। और आपके केमिस्ट्री बायो से भी आते भौतिक रसायन से कि साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है, ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे। और करंट भी इसमें कम दो तीन क्वेश्चन आए थे, एक आपका करंट पूछा था कि एशिया में साइकिल विजेता कौन है, जो फिलहाल में सबसे विजेता कौन है, साइकिल विजेता, ये आए थे।
और देखिए जो मैथ की कैटेगरी आती है आपकी एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट और एग्ज़ाम डेट जो है 12/6/2019 में मैथ की कैटेगरी आप बहुत ही सिंपल दिया था, हर बच्चे की होंगे, किसी के बच्चे के लिए डिफ़िकल्ट नहीं है। इसमें अलजेब्रा का पोर्शन ज़्यादा पूछा था, अलजेब्रा से कम 4 सवाल थे और इसमें क्वेश्चन का पैटर्न देखिए यही था, अंडर रूट एक्स प्लस वन बाई अंडर रूट एक्स बराबर टू दिया था, तो आपको बताना था कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर रहेगा, दोस्तों स्क्वायर का मान क्या होगा, तो ये तो बहुत ही सिंपल था। और इसमें ए प्लस बी क्यूब के फार्मूला पे आपको क्वेश्चन दिया गया था और इसमें कोण के आधार पर क्वेश्चन दिए गए थे कि आपको एक गोला बनाकर फिर ऐसे क्वेश्चन और इसके केंद्र पे जो बन रही है कोण 135 डिग्री को, तो बी सी को लाइन पी तक खींची जाए तो ये जो आपको डिग्री ये कोण बताना है कितनी होगी ये आप बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल। और देखिए ट्रिग्नोमेट्री से सवाल इसमें कम से कम आपके 3 आए थे और जो क्वेश्चन का कैटेगरिया था बहुत ही सिंपल, टेन थीटा बराबर 4/5 है तो कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा, दोस्त आप लोग कमेंट करके आंसर देकर तुरंत हमको बताइएगा सारे क्वेश्चन का आंसर। आप लोग से दोस्तों निवेदन है कि आप सारे चीज़ें हमको आंसर बताइए ताकि आंसर अन्य दोस्तों के पास भी जा सके जिससे उनको सहायता हो सके सवाल को लगाने में। और देखिए जो इसमें और एक क्वेश्चन का कैटेगरी आता है, ये सब क्वेश्चन एकदम सेम क्वेश्चन है एग्जाम में एसएससी सीजीएल के आए थे, और एक क्वेश्चन था 3 sin थीटा बराबर 4 cos थीटा दिया था, तो इसमें आपको बताना था 10 square थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस cosec थीटा बराबर क्या होगा, तो दोस्तों ये तो आप तुरंत निकाल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर 4/3, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 10 थीटा की, तो आप फिगर बनाकर इसकी वैल्यू तुरंत निकाल सकते हैं। और देखिए जो क्वेश्चन आया था आपका सिंप्लीफिकेशन जो सरलीकरण से बहुत ही कि दशमलव में आपको इसका मान ही आएगा, दशमलव में निकालना था 1.5 + 11.2 भागे 4.5 + 4.5 गुणे 5.5 + 0.2 फिर -8, तो दोस्तों जानते हैं ऐसे क्वेश्चन में सर्वप्रथम आपको पहले कोष्टक वाले का हल करना है, कोष्टक वाले को हटाकर फिर भाग फिर गुणा फिर प्लस फिर माइनस को, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन गया था। हाँ कल ज़्यादातर कैलकुलेशन थोड़े ज़्यादा थे क्योंकि पॉइंट में दे दिए थे, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था और प्रतिशत से आपके कम से कम 2 क्वेश्चन, आयु से 1 क्वेश्चन था, चक्रवृद्धि ब्याज से आपके 1-2 क्वेश्चन थे और 1 क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल जो आपके अंतर पे दे दिए थे कि 8% ब्याज की दर से यक्स मूल राशि का 2 वर्षों में CI व SI का अंतर 256 रुपया हो तो मूल राशि क्या होगी, दोस्तों ये तो बहुत ही सिंपल हो गया आपका फार्मूला जो 2 साल के लिए अंतर पे निकाला जाता है आप बताएं। और देखिए दोस्तों यहाँ मेंसुरेशन से आपके क्वेश्चन आए थे, कौन से वॉल्यूम से आया था और एक स्पीयर से क्वेश्चन आया था, स्पीयर से क्वेश्चन इसके कम से कम 4 क्वेश्चन आए थे एग्जाम में आपके मेंसुरेशन के, और औसत से आपके 1 क्वेश्चन आए थे और पाई चार्ट के आपके 3 क्वेश्चन आए थे, और जो पाई क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन था इसमें से 2 क्वेश्चन एकदम सिंपल था, 1 क्वेश्चन आपको फंसा सकता था, लेकिन आपका जो पैटर्न आप देखेंगे एसएससी सीजीएल 2016 टायर फर्स्ट की 2019 की बहुत ही सिंपल, आपको सारे सिलेबस का हम ब्यौरा दे दिए हैं। और दोस्तों आपको आपसे निवेदन कि जितने क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं क्लियर हो रहे हैं आप उन क्वेश्चनों का आंसर देकर तुरंत कमेंट करिए ताकि अन्य दोस्तों के पास जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी लेटेस्ट चीज़ें ऐसी जो भी एग्ज़ाम हो कोई भी लेटेस्ट न्यूज हो ताकि आप तक पहुंच सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।